जय माँ दुर्गा। स्वागत है दोस्तों आप सभी को सुभ्रास किचन एंड ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सवेरे का वक्त है, बाहर बारिश हो रहा है और ये देखिए मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी को तैयार कर रही है। दोनों आज स्कूल नहीं गए क्योंकि बारिश हो रहा है बाहर, और आज हमारी दादी जी का बरसी है तो इस वजह से हम लोग निकल रहे हैं भैया जी के घर। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है पूजा, पूजा करके निकलेंगे। मेरे हस्बैंड चले गए हैं स्कूल क्योंकि आज स्कूल छुट्टी नहीं है, वो स्कूल से आने के बाद जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों रास्ता का व्यू एकदम खाली था। तो हम तीनों माँ बेटी पहुँच गए। देखिए अंशु के साथ बातें कर रही है रियू, सॉरी पौरी। तो ये देखिए दोस्तों हमारी दादी जी का फोटो, सबको बहुत प्यार करती थी। मिस यू दादी, हम सब आपको याद करते हैं, सारे बच्चे भी याद करते हैं दादी जी को। तो आते ही ये देखिए खाना बनाना शुरू हो गया। तो यहाँ पर सुमी पनीर फ्राई कर रही है मटर पनीर के लिए, बीच में मिक्स वेज बन रहा है, और साइड में ये देखिए दीदी बना रही है वेजिटेबल कड़ी जिसको हम आंबिला बोलते हैं। तो ये देखिए दीदी जी को पता नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे ही पता चला हंस रही थी। और ये देखिए यहाँ पर सुमी पनीर को फ्राई करते हुए, ये देखिए दीदी कड़ी बनाते हुए। तो यहाँ पर बातें करते हुए हम सब खाना बना रहे थे। तो दोस्तों जो भी वेजिटेबल्स चाहिए था यहाँ पर फ्राई करते हुए रखते जा रहे थे। तो दीदी फ्रिज से कुछ जो वेजिटेबल्स वगैरह है निकाल रही है। तो दोस्तों दीदी जी के हॉल में, भैया जी के हॉल में, ये देखिए डाइनिंग हॉल में एक बड़ा सा फ़ोटो किशन और राधा जी का लगा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये फ़ोटो, इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। और नीचे देखिए दोनों भाई बहन बैठ के बातें करते हुए मोबाइल खेल रहे थे। जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया मोबाइल को साइड में रख दिए दोनों। और यहाँ पर दीदी बना रही है पीठा, आटा का पीठा, हम इसको काकरा पीठा बोलते हैं, दादी को बहुत पसंद था काकरा पीठा। ये देखिए दोनों किस तरीके से हंसी मजाक में लगते हुए। तो दीदी बना रही थी पीठा और यहाँ पर सुमी तल रही है सारे पीठा को। तो आज जो भी खाना बनेगा दादी जी के पसंद का ही बनेगा क्योंकि आज उनका बरसी है, ब्राह्मण भोज है। तो बच्चों को भूख लगने लगा था तो यहाँ पर इन्होंने लाया है चिप्स, और ये देखिए चिप्स पार्टी हो रहा है बच्चों का। यहाँ पर तीन बच्चे हैं और नीचे दोनों हैं, छोटे छोटे दोनों बच्चे जो है वो नीचे बैठ के खेल रहे हैं, मतलब मोबाइल ही देख रहे होंगे। और ये तीनों यहाँ पर चिप्स खा रहे थे, देखिए इनका बिल्कुल ध्यान भी नहीं था मेरी तरफ। तो दोस्तों वापस मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पर मैं सुमी के साथ बात कर रही थी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ छोटे छोटे दोनों बच्चों को। तो ये देखिए लगे हुए हैं मोबाइल खेलने में, दोनों एक एक मोबाइल पकड़कर खेल रहे थे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ भैया जी का टेरेस गार्डन। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, ये तुलसा देवी का पेड़ है, पौधा है। और इधर देखिए दोस्तों बैंगन का पौधा, सारे बैंगन पेड़ से निकाल लिए थे, बस एक ही बड़ा वाला था। तो यहाँ पर हम आए हैं ऊपर कड़ी पत्ता लेने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सुमी तोड़ रही है कड़ी पत्ता, और साइड में देखिए कद्दू का पौधा कितना अच्छा लग रहा है। तो आसमान का नज़ारा देखिए दोस्तों, चारों ओर बादल छाई हुई है। तो थोड़ा सा पानी अभी भी आसमान से गिर रहा था और हवा भी चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर। पर क्या करें अभी तक खाना बनाना बाकी है, थोड़ा सा काम बाकी था नीचे, फिर भी हम तीनों थोड़ी देर ऊपर रुक गए थे। बहुत ही ये देखिए शांत लग रहा था ऊपर,
चारों ओर का नज़ारा देखिए दोस्तों। इतने में आ गए, ये देखिए बातें कर रहे थे, अंशु आ गए, तो अंशु के पीछे पीछे परी भी आ गई थी। तो तीनों यहाँ पर कुछ देर रुक के बातें कर रहे हैं। पापा जी को आज बुखार है तो मम्मी जी नीचे गई हुई थी। और यहाँ पर देखिए ये है अपराजिता का पौधा, भैया जी ने स्टैंड बनवा के लगाया है यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, सब लोग हम कुछ देर यहाँ पर रुक के बातें कर रही थी। परी का डांस चालू हो गया है, जब भी देखो इसका हाथ पैर हिलता ही रहता है। तो ये देखिए मछलियाँ साइड में दीदी ने ये निकाल के रखा है, चावल और पैसा ब्राह्मण लोग को देने के लिए। भैया और दीदी यहाँ पर बैठकर चाय पीते हुए, तो मेरी और सुमी का चाय लेके मैं अंदर चली गई थी। तो चलिए हम भी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर अरमान मना कर रहा था मुझे कि वीडियो मत निकालो बड़ी मम्मी। तो चलिए दोस्तों अब हम चाय पी लेते हैं। सुमी और मैं, सुमी रुकी हुई थी मेरे लिए चाय पीने के लिए। तो खाना बना के हम यहाँ पर पी रहे हैं चाय। तो अभी तक ब्राह्मण लोग नहीं आए थे तो हम घर में ही बैठ के मजा मस्ती करे से इस तरीके से बातें करते हुए। तो पैर धोने के लिए यहाँ पर जो पीढ़ा होता है यहाँ पर निकाल के रख लिया था। तो सारे जो खाना बन गया था उसको अब प्रसाद निकाल ले रही हूँ भोग लगाने के लिए। तो जो भी बनाया है थोड़ा थोड़ा ये देखिए भोग के लिए निकाल रही हूँ, चावल, खीर, चिप्स, तो परवल की चिप्स, कदली, बनाना जो होता है, पनीर की सब्जी, कांकड़ी की भी चिप्स बनी थी यहाँ पर देखिए, कढ़ी, वेजिटेबल का कढ़ी, आंवला जो होता है, दही डाल के बनाए थे, मूंग की दाल, और ये देखिए मिक्स वेज, जो भी बना था घर में पीठा सब निकाल लिया है भोग के लिए। तो सब मिलके बना लेते हैं फटाफट से खाना, वक्त का पता ही नहीं चलता कब बन जाता है। तो चलिए अब इसको प्रसाद के रूप में भगवान जी को अर्पण कर देते हैं। तो दीदी पहले से ही जाके भगवान जी के घर में ये देखिए पूजा रूम में दीप जला दिए थे, मैंने बस आके भोग लगा दिया था क्योंकि वक्त हो गया था, ब्राह्मण लोग आते ही होंगे। तो ये देखिए मैंने प्रसाद भोग लगा दिया है। तो ये देखिए दोस्तों अभी अभी जो है परी और रिया के बीच हो गया था झमेला, दोनों कुछ देर लगे हुए थे तो उस वजह से वो चली गई है नीचे। और ये देखिए यहाँ पर बातें करते हुए तो मम्मी जी आ गई है ऊपर, बड़े भैया भी तैयार हो गए थे क्योंकि ब्राह्मण लोग के पैर आज बड़े भैया धोएंगे क्योंकि पापा जी को बुखार है, वो ऊपर नहीं आएंगे। तो मम्मी जी यहाँ पर बातें करते हुए बड़े भैया के साथ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर भी त्रिनाथ देव का फोटो लगा हुआ है। तो सुमी और मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि थोड़ा सा जो है हरी मिर्च लाना था तो इस वजह से हम आ गए हैं नीचे। तो दोस्तों बारिश की वजह से लाइन जो है कट रहा था तो मुझे पीना था पानी, मैं आ गई किचन में। तो बाहर देखिए दोस्तों अभी भी बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, दिन भर चालू था बारिश। तो देवर जी भी आ गए हैं बाहर से, त्रिरंगा झंडा लेके आए हुए हैं देखिए, इसको यहाँ पर रखते हुए, उनका कुछ काम था वो बाहर गए थे तो अभी अभी लौट के आए हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी सोमी को ये देखिए किसके साथ बात करने के लिए फ़ोन में लगवाने के लिए बोल रहे थे। तो देवर जी को देखिए आधा भीग गया है उनका सर, ऊपर का हिस्सा, क्योंकि बाहर बारिश है, अभी अभी आए हैं घर। तो मैं और सुमी जा रहे हैं पीछे वाले हिस्से में क्योंकि थोड़ा सा जो है हरी मिर्च लेना है। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरीके से हरी मिर्च के पौधे में दोनों थोड़ा सा लेके चले गए थे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बस थोड़ा सा ही लेके आ गए हम। तो एक प्लेट में इसको रख दिया था सुमी ने, मैंने भी थोड़ा सा लाके वहाँ पर ही रख लिया
तो चलिए अब चलते हैं फिर से ऊपर। तो ये देखिए फिर से ये गई मिरर के पास और उसका हाथ पैर फिर से हिलाने लगे। तो सारे जो फैंस लाइट्स थे अब करके हम चले गए ऊपर। तो यहाँ पर रियू को मनाते हुए अंशु तो ये मान ही नहीं रही है, इसका मुंह देखिए किस तरीके से चल भी रही है। तो सब लोग आ गए थे ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों मम्मी जी अंशु देवर जी यहाँ पर पानी निकाल के रखा है दीदी ने और कुछ ग्लास निकाले थे। तो दोस्तों ये देखिए खीर चावल जो भी आज बना था उसका थोड़ा सा वीडियो मैंने निकाल के रखा था, कढ़ी दाल चिप्स पनीर की सब्ज़ी काकड़ा पीठा मिक्स वेज बस इतना ही बना था दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए ब्राह्मण लोग आ गए थे, ये रिश्ते में हमारे ननद के हस्बैंड लगेंगे और जो पीछे खड़े हैं वो बड़े पापा। तो इस तरीके से सारे ब्राह्मण दीप के पैर धोते हुए बड़े भैया ने उनको तिलक कर दिया था। तो खाने से पहले इस तरीके से सबके पैर धोते जाते हैं। तो पापा जी धोते हैं पर आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से बड़े भैया धो रहे हैं सबके पैर। ये जो खड़े हैं ये चाचा जी लगेंगे। तो ये देखिए दोस्तों पैर धोने के बाद यहाँ पर सबका खाना हो गया था क्योंकि सबसे पहले इन लोग खाएंगे बाद में बाकी सब खाएंगे। तो ब्राह्मण लोगों का खाना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर घर के सब ये देखिए ये दोनों बड़े मम्मी लगेंगे। तो बच्चों के साथ यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे स्कूल से, बड़े भैया भी खाना खा लिया था, देवर जी भी खा चुके थे। तो ये देखिए अरमान बेटा अरयू दोनों एक ही साथ परी बैठी है ऊपर। तो दोनों इस तरीके से दोनों बच्चों के बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। तो थोड़ी देर ये देखिए दोस्तों बाहर आई थी तो बाहर फिर से बारिश हो रहा था दिन भर। तो खाना खाने के बाद कुछ देर रुके और वापस आ गए थे फिर से घर। तो ये देखिए फिर से वही उसका हाथ पैर हिलाते हुए इस तरीके से दौड़ लगाते हुए रास्ते भर आई, उसको बहुत मज़ा आ रहा था बारिश में। तो आ गए घर के पास, ये देखिए ड्रेन का काम अभी भी रुका है, साइड में कितना पानी जमा हुआ है तो इस वजह से ये देखिए इस तरीके से घर के अंदर आना पड़ता है। तो हम आ गए अंदर। तो दोनों बाप बेटी पहले से ही आ चुके थे और आके सो भी गए थे, चारों ओर अंधेरा था, लाइट ऑन करके मैं आ गई घर। तो शाम को फिर से जाना था, थोड़ी देर रेस्ट करी उसके बाद फिर हम निकलेंगे शाम को, बस शाम को खाना खा के ही आना है। तो ये देखिए दोस्तों रात में दोनों बाप बेटे इसके बड़े पापा और ये खा रहे हैं खीर। तो बहुत अच्छा लगा, दादी को भी बहुत मिस किए हम सब ने। तो इस तरीके से आज का दिन चला गया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तो तब तक बाय बाय।